हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ यूनिक। में इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू ब्रेजा जो नया फीचर्स के साथ आ चुका है। वो कौन सी फीचर्स है आपको वीडियो एंड तक मैंने जरूर आपको बता दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्त जो भी मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, उसके साथ आपको बेल आइकन प्रेस कर लिया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा रहे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। चलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू ब्रेजा के बारे में। और ये मेरा सामने दोनों गाड़ी आप देख रहे हैं, एक है ब्रेजा ZX है और ZX प्लस, दोनों वेरिएंट मेरे सामने है दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोनों वेरिएंट में आपको क्या क्या डिफरेंस फीचर्स मिलेगा और कौन सी वेरिएंट में आपको लेना बेहतरीन है, कौन सी वेरिएंट आपको बेहतरीन रहेगा। चलो शुरुआत करेंगे दोस्तों आज की वीडियो में हम ब्रेजा ZX से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि ZX प्लस दोनों आजू बाजू में खड़े सो है। आपको तो दिख रहा है सम डिफरेंस, आपको दोनों में दिख रहा है। ये 1.5 पेट्रोल इंजन के साथ आपको मिलेगा दोस्तों। हम स्टार्ट करेंगे ZX वेरिएंट के बारे में। ZX में दोस्तों आप देख रहे हैं फ्रंट प्रोफाइल इसका काफ़ी कुछ शानदार है। इसके साथ आपको डुअल प्रोजेक्ट LED लाइट आपको मिल ही जाएगा दोस्तों। ZX प्लस में भी आपको सेम एज इट इज़ मिलेगा, क्योंकि ZX ZX प्लस दोनों वेरिएंट में आपको LED प्रोजेक्ट हेडलाइट्स के साथ आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप दोस्तों आपको ये जो फ्रंट ग्रिल देख रहे हैं, फ्रंट क्रोम फिनिशिंग एज इट इज़ दोनों वेरिएंट में सेम मिलेगा। उसके साथ साथ आपको दोनों फ्रंट ग्रिल आपको मिल जाएगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है दोनों वेरिएंट में। आपको एक चीज़ें से दोस्तों दोनों वेरिएंट में, क्योंकि बॉनट भी इसका एकदम मजबूत बना दिया इस बार मारुति वाले ने, क्योंकि 5 स्टार रेटिंग दे रहा है अभी ब्रेजा न्यू ब्रेजा में दोस्तों। उसके साथ अभी नीचे आप देख रहे हैं दोस्तों, नीचे आपको फ्रंट फॉगलम LED फॉगलम, पहला नॉर्मल LCD आता था, अभी LED फॉगलम आ रहा है। ZX वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि आपको ZX प्लस वेरिएंट में इनबिल्ट आपको LED फॉगलम दिया। सो आपको 6,500 में आपको मिल जाएगा दोस्तों, आप शोरूम में एडिशनल आपको करा सकते हैं। उसके साथ आप देख रहे हैं फ्रंट एक्सटेंडर जो एक्सेसरीज ऑलरेडी है लग चुका है ZX प्लस वेरिएंट को, ZX वेरिएंट आपको नहीं लगा क्योंकि अभी कुछ एक्सेसरी आपकी राइड नहीं कर चुका है। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे दोस्तों, आपको दोनों साइड प्रोफाइल काफ़ी कुछ शानदार सिटी ब्रेड SUV मॉडल कहला जाता है, इंडियाज नंबर 1 SUV। यह इसका जोमेट्रिक अलॉय व्हील्स आ जाएगा दोस्तों, आपको जो इसका प्रिसिशन कट है ना एकदम काफ़ी कुछ स्पोर्ट्स है, एक से स्पोर्ट्स लुक जाए मिल जाएगा आपको। ये देख रहे हैं आप ZX वेरिएंट, ZX में आपको दोस्तों नॉर्मली ब्लैक फुल्ली ब्लैक अलॉय व्हील्स मिल जाएगा। ये है इसका ZX और ZX प्लस का अलॉय व्हील्स का डिफरेंट दोस्तों। अभी हम बात करेंगे और एक फीचर्स के बारे में जो साइड प्रोफाइल है दोनों का। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे दोस्तों, आपको आउटसाइड का मिरर की बात करेंगे, बॉडी कलर मिल जाएगा आपको। उसके साथ आपको इलेक्ट्रिकल और फोल्डअप दोनों मिल जाएगा, दोनों वेरिएंट में आपको दोनों सेम एज इट इज मिल जाएगा दोस्तों, कुछ चेंजेस नहीं इसमें। उसके साथ आपको दोनों को साइड मोल्डिंग ऑलरेडी लग चुका है। हम इंटीरियर में बात करेंगे ZX वेरिएंट में, आपको इसका इंटीरियर काफ़ी कुछ शानदार है SUV का, जो ब्रीड SUV कहला जाता है। इसका डोर ट्रिम काफ़ी कुछ लुक्स है, इसको ब्राउन कलर के साथ आपको ब्लैक कलर मिक्स हुआ है इसमें। इसका डैशबोर्ड फिनिशिंग दोस्तों काफ़ी कुछ शानदार है, ब्रेजा स्पोर्ट्स लुक्स एंड यूनिक लुक्स है, अर्बन लुक्स कहला जाता है। अभी हम की ढूंढ रहे हैं, की तो नहीं मिल रहा, की कहाँ इसका, स्मार्ट की आ जाएगा आपको। आखिर मिल गया की मेरे हाथ में, जो आप देख रहे हैं स्मार्ट की एंट्री। तो स्मार्ट की बोले तो आपको कुछ स्मार्ट नहीं, तो सो ईजी एंट्री होने के लिए आपको स्मार्ट की लग जाता है, जापान टेक्नोलॉजी का स्मार्ट की है दोस्तों। बात करेंगे ZX में क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाएगा और प्लस में क्या क्या आपको बता दूंगा। ये है आपको चारों पावर हैंडल के साथ विथ इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल आपको मिल जाएगा दोस्तों, सेम एज इट इज़ आपको ZX प्लस में वही फीचर्स मिलने वाले हैं। विथ इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल आपको सेम एज इट इज़ दोनों वेरिएंट में आपको मिलने वाला है, विथ क्रोम फिनिशिंग। ये तो आप ट्रिम देख रहे हैं ब्राउन कलर विथ ब्लैक कलर, दोनों कॉम्बिनेशन कुछ अलग ही है इस बार मारुति का। बाटर होल्डर भी मिल जाएगा, उसके साथ आपको नंबर ऑफ स्पोर्ट फिकर्स के साथ आपको मिल जाएगा दोस्तों। अभी इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स ऐड है ZX वेरिएंट में देखेंगे दोस्तों, बैठ के अंदर क्या कम्फर्ट है। ये इसका सीट के बारे में तो आपको पता है दोस्तों, मारुति में हर वे का फैब्रिक मिल जाएगा आपको। उसके साथ साथ आपको सीट हाइट एडजस्टेबल हर वेरिएंट में आपको दिया है, तीनों वेरिएंट में आपको मिल जाएगा दोस्तों। अंदर बैठेंगे क्या क्या फीचर्स के अंदर देखेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे MID मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के बारे में दोस्तों। ये आपको मैं आप दिखा रहा हूँ, बीच में आपको डिजिटल मिलेगा, कुछ फ्यूल इंडिकेटर का, टेम्परेचर का और एवरेज के बारे में, उस बीच में आपको डुअल इंडिकेटर वगैरह सब कर जाएगा। और बाजू दोनों में आपको राइट लेफ्ट में RPM का स्पीडोमीटर दोनों मिल जाएगा एज इट इज़। उसके साथ साथ आपको इंजन पुश स्टॉप बटन दिया है, सो है क्योंकि ZX वेरिएंट से स्टार्ट है इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन। ये फीचर्स आपको कन्वीनियंट फीचर, आपको इजी स्टार्ट होएगा, जब क्लच और ब्रेक पकड़े तो आपको इजी गाड़ी स्टार्ट होएगा। उसके साथ आपको आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्नोलॉजी दिया सो है। अभी स्टेयरिंग तो थोड़ा फिनिशिंग कम है, क्योंकि ZX वेरिएंट में नहीं आएगा मेरे ख्याल से ZX फिनिशिंग का।
उसके साथ साथ आपको स्टेयरिंग कंट्रोल बटन, वॉइस कंट्रोल दोनों मिल जाएगा दोस्तों। उसके साथ आपको और एक टेक्नोलॉजी ऐड कर रहा है स्टेयरिंग में, वो है क्रूज़ कंट्रोल। आपको तो पता है एफर्टलेस ड्राइविंग के लिए क्रूज़ कंट्रोल आपको बड़ा बड़ा रोड में आपको यूज़ होएगा। उसके साथ आपको मिलेगा दोस्तों है स्मार्ट प्ले स्टूडियो प्रो सिस्टम आएगा, ओनली प्रो सिस्टम आपको मिल जाएगा। एंड्रॉयड एंड ऑटो कार प्ले आपको दोनों इस वेरियंट में आपको मिल जाएगा दोस्तों। डैशबोर्ड का फिनिशिंग तो काफ़ी कुछ शानदार है इसका, दो सिल्वर एक्सेंट क्रोम दिया इसमें है। नीचे आप देख रहे हैं एसी का वेंट्स भी कुछ अलग बना दिया इस बार ब्रीजा में, हैजार्ड लाइट्स है। नीचे आप देख रहे हैं दोस्तों ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी के बारे में दोस्तों मैं वीडियो में ऑलरेडी एक वीडियो में बता दूंगा, ये इसका टेम्परेचर हिसाब से आप क्लाइमेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको नंबर ऑफ 5 मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा। काफ़ी कुछ थोड़ा स्पेसेस है मोबाइल वगैरह रखने के लिए, पॉकेट वगैरह रखने के लिए। उसके नीचे आप दोस्तों मैं थोड़ा लाइट डाल रहा हूँ अभी, नीचे आपको एक्सेसरी सॉकेट दिया सो है, उसके साथ आपको यूएसबी ऑक्स केबल भी ऑप्शन उधर ही दिया सो है। ये इसका डैशबोर्ड फिनिशिंग डोर ट्रिम का, ये ZX है। मैं आपको और एक बड़ा वाला फीचर्स बता दूंगा दोस्तों, वो है मारुति का इलेक्ट्रिकल सनरूफ। पहली मॉडल है जो जो इलेक्ट्रिकल सनरूफ आ चुका है, अभी मैं ऑपरेट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल सनरूफ, ऑफ ऑन दोनों कर रहा हूँ दोस्तों। ये आपको बीच में जो कैबिन लेट्स है ना उसके साथ में आपको दिए सो है, आप फॉरवर्ड कैसे भी अपलोड कर सकते हैं आराम से। कैबिन लेट्स भी दिया है, ये दो बटन्स मैं अपलोड कर रहा हूँ, अप एंड मूव दोनों दिए सो है। उसके साथ आपको कुछ सनग्लास रखने के लिए भी जगह दिए सो है मारुति वाले ब्रीजा में। अभी दोस्तों इसका इंटीरियर हो गया, अभी हम रियर में देखेंगे क्या क्या फीचर्स सबको ऐड कर चुके हैं ZX में। रियर में देखेंगे बैठ के, ये इसका रियर में भी आपको डोर ट्रिम सेम एजरीज आएगा, जो फ्रंट में है दिया सेम एजरीज आपको मिल जाएगा दोस्तों। उसके साथ साथ आपको रियर का हेडरेस्ट जो रहता है आपको पीछे बैठते हैं ना उसको एडजस्टेबल कर सकते हैं आप। उसके साथ आपको पीछे आर्म रेस्ट भी दिया सो है, उसके साथ आप कप होल्डर भी है सो आराम से बैठो, काफ़ी कुछ शानदार है सो लेग रूम वगैरह हेड रूम आराम से कंफर्टेबल आपको पीछे बैठ सकते हैं, दो लोग तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं। उसके साथ आपको रियर एसी भी दिया है दोस्तों कंफर्ट के लिए। उसके नीचे आपको एक्सरे सॉकेट भी दिया सो है, वो पीछे वाला लोग बैठे तो आपको आराम से मोबाइल चार्ज कर सकते हैं वो लोग। चलिए दोस्तों अभी रियर में इसका हो गया ZX वेरियंट, अभी ZX प्लस में क्या क्या फीचर्स ऐड कर चुका है ZX में एक्सटीरियर बता दें मैंने अलेवल्स के बारे में, फॉग लैम्प के बारे में। अभी इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स आपको मिलेगा, आई थिंक आपको 1.5 लाख डिफरेंस है तो ज़्यादा फीचर्स आपको मिल जाएगा ZX प्लस वेरियंट में। ये इसका ZX प्लस डोर ट्रिम तो एज इट इज़ आपको फिनिशिंग मिला है। उसके साथ आपको एम्बेंट लाइट मिलेगा दोस्तों, जो चारों तरफ डोर को आपको एम्बेंट लाइट्स मिला सो है, क्योंकि वो एक प्रीमियम फील के लिए आपको दिया सो है एम्बेंट लाइट्स। सीट का भी काफ़ी कुछ प्रीमियम क्वालिटी वाला है ZX प्लस वेरियंट में, इसका व्यू काफ़ी कुछ शानदार है तो ZX से कंपेयर करें तो। अभी पहले हम बात करेंगे पहला फीचर्स कौन से ऐड हो चुके, वो है लेदर रेयरिंग स्टेयरिंग रैपिड व्हील, जो है काफ़ी कुछ बढ़िया दिख रहा है मेरे को तो अंदर से दोनों वेरियंट में कंपेयर करता हूँ। ये थोड़ा लेदर स्टेप वेयरिंग है, थोड़ा ग्रिप पकड़ते हैं जो दोस्तों। उसके साथ आपको स्टेयरिंग क्रूज कंट्रोल जो MID एज इट इज़ सबको सेम मिलेगा, कुछ चेंजेस नहीं इसमें बारे में। उसके साथ साथ आपको और एक फीचर्स ऐड है बढ़िया फीचर्स, वो है हेड अप डिस्प्ले दोस्तों। अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट करके आपको बता दूँ कैसे आपको हेड अप डिस्प्ले कैसे देखेगा। अभी गाड़ी स्टार्ट करेंगे दोस्तों, अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने अभी इंजन बटन पुश कर दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गए। अभी देखो आप कैसा आप नीचे से ऊपर तक आ रहे हैं, हेड अप डिस्प्ले। ये डिस्प्ले में आपको एक प्रीमियम फील वाला दिया सो, जो रीडिंग जो क्लस्टर में आप देखते हैं ना MID में, वो आपको क्लस्टर में हो MID में आपको हेड अप डिस्प्ले में दिखेगा दोस्तों। एक प्रीमियम लुक्स के लिए और प्रीमियम फील के आपको दिया सो है, वो कुछ एडजस्टेबल आप कर सकते दोस्तों, नहीं तो आप कर सकते, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता आपको आप भी कर सकते दोस्तों। उसके साथ आपको ये देख रहे हो पेडल शिफ्ट, ये ऑटोमेटिक गियर वाला है ZX प्लस वेरियंट, पेडल शिफ्ट बोलते हैं इसको, जो हाथ से आपको मैनुअल गियर आपको डाल सकते हैं दोस्तों। मैनुअल मोड में लेने के बाद आपको आराम से हाथ से आपको रेस कर सकते हैं, वह 30, 40, 60 गियर आप आराम से डाल सकते हैं दोस्तों। ये है ऑटोमेटिक ड्राइव मोड, पार्किंग ड्राइव मोड, मैनुअल मोड आप कर सकते हैं आराम से। और एक इसका बढ़िया फीचर दिया है वो है मारुति में, पहले वीडियो स्टार्ट करने से मैंने बोला था आपको नया फीचर आ चुका है ब्रीजा में ZX प्लस वेरियंट में, वो है स्मार्ट प्ले प्रो प्लस सिस्टम। इसमें 9 इंच का आता है, उसमें आपको 7 इंच का मिलेगा दोस्तों। उसके साथ आपको इसमें एंड्रॉयड विदाउट केबल से आप एंड्रॉयड ऑटो कार पे दोनों चला सकते हैं। ये वेरिएंट आपको ZX प्लस वेरिएंट में मारुति वाले इस बार ला चुका है, ZX वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा, उसमें केबल लगाना पड़ता जरूरी है उसको, इस प्लस में आपको। उसके साथ आपको 360 व्यू कैमरा मिलने वाला है दोस्तों,
पहले आपको प्रियर रिवर्स पार्किंग मिलता था, इस बार आपको साइड में, फ्रंट में, बैक में, आपको चारों तरफ से आपको कवर कर सकते हो। स्मार्ट प्ले स्टूडियो प्रो में आप देख सकते हैं, मेरे भी मैंने अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, ये आपका साइड व्यू और पीछे का व्यू, फ्रंट का व्यू आपको 10 किलोमीटर, आपको फ्रंट जब भी आप फर्स्ट गियर डालने के बाद आपको 10 किलोमीटर से आप आगे आपको पूरा दिखेगा। ये आपको एंड्रॉयड फ़ोन से आपको कनेक्ट कर सकते हैं, जायर्ड ब्लूटूथ करने के बाद आपको एंड्रॉयड कनेक्ट कर सकते हैं, विदाउट केबल से आप कर सकते हैं। ये है फ्यूचर में ब्रेजा वाले, इस बार 2023 में मारुति वाले ने फ्यूचर ऐड कर चुका है, उसके साथ के लिए एक 10-15 अमाउंट भी आपको ऐड कर चुका है। नीचे अभी देख रहे हैं और एक हेड और एक बढ़िया फीचर दिए हुए नीचे, वो है वायरलेस चार्जर। दोस्तों आजकल ज़माने में तो वायरलेस चार्जर चाहिए चाहिए, केबल तो हर कोई लेके जाता नहीं है, उसके लिए वो वायरलेस चार्जर आपके डिकेज है, वो भी मोबाइल अपडेट रहे ना। उसके साथ साथ आपको आर्म रेस्ट भी दिए हुए पीछे, जो फ्रंट में भी दिए हुए, आराम से गियर डाल के आप आराम से चला सकते हैं। एज इट इज़ आपको दोनों वेरियंट में ये इलेक्ट्रिकल सनरूफ तो जरूर मिल जाएगा दोस्तों। यह है दोनों में डिफरेंस हो गया दोस्तों इंटीरियर में, आप कौन सी लेना चाह रहे हैं तो जेड एक्स प्लस में आपको कौन सी आपको फीचर बेहतर रहेगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अभी हम रियर में बैठ के देखेंगे, रियर में भी सेम एज इट इज़ आपको वही आर्म रेस्ट और स्पीकर मिल जाएगा, हेड रेस्ट, आर्म रेस्ट एज इट इज़ मिल जाएगा दोस्तों, कुछ चेंजेस नहीं इसमें वेरियंट में, दोनों वेरियंट में आपको। रियर इसमें थोड़ा चेंजेस है दोस्तों, वो है एक्सेसरीज सॉकेट, दो सॉकेट जैसे ये वाला है और सी वाला, दोनों आपको एक मोबाइल चार्जर दोनों दिए हुए वेरियंट में। ये इसका फ्रंट व्यू काफ़ी कुछ शानदार है, कैबिन्स वगैरह इसका, क्योंकि मेन इसमें एम्बेड लेस मिलेगा दोस्तों आपको, एम्बेड लाइट जो है ना एक प्रीमियम फील आ जाएगा आपको जब आप अंदर बैठने की बात। ये है इसका दोनों में डिफरेंट हो गए दोस्तों। पीछे रियर के बात करेंगे तो दोस्तों रियर में आपको दोनों वेरियंट में आपको रियर वाइपर, वाशर, डी फॉगर्स, इनबिल्ट कैमरा, पार्किंग सेंसर, स्मार्ट हेबिट इंजन, सेम एज इट टेलम के साथ आपको सेम मिलेगा। बूट स्पेस की बात करेंगे, लोग आप डिक्की कहला जाता है, डिक्की में आपको 330 आपको लीटर आपको बूट स्पेस मिल जाएगा दोस्तों। इसके साथ आपको स्पेयर व्हील भी नीचे दिए सो है, टूल्स किट भी आपको दिए सो है। दोनों वेरियंट में पीछे कुछ भी चेंजेस नहीं है दोस्तों, सेम एज इट इज़ आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि पार्किंग सेंसर, रियर वाइपर, वाशर, डी फॉगर, जो स्मार्ट हेबिट इंजन टेक्नोलॉजी है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन का, सेम एज इट आपको मिल जाएगा। चलो दोस्तों ऐसे वीडियो मेरे वीडियो सपोर्ट कर लीजिए, थैंक यू वेरी मच।